दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने ऐसी तबाही मचाई है कि कई सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 120 गेंदों में भारतीय टीम ने तिलक वर्मा और संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 283 रन ठोके हैं। संजू और तिलक वर्मा ने ऐतिहासिक शतक लगाया है, जिसे देखने के बाद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज भी सन्न रह गए, दंग रह गए। तो इस तबाही वाली बल्लेबाजी पर, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर क्या बोले हैं ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, चलिए दिखाते हैं उनके बयान का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ चौथे यानी कि आखिरी T20 मुकाबले में हमें पूरा सिनेमा देखने को मिला। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली, क्या तबाही वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिलक वर्मा और संजू सैमसन के उस तूफान की, जिसमें साउथ अफ्रीका के सारे गेंदबाज उड़ते हुए नजर आए। इन दोनों ही बल्लेबाजों के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुल 283 रन बनाए मात्र 20 ओवर में, वो भी केवल एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सपना नहीं देख रहे। आपको बता दें, संजू सैमसन ने मात्र 56 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 109 रन बनाए और एक और शतक लगा दिया। संजू ने अपनी तूफानी पारी में 6 चौके और 9 खतरनाक छक्के लगाए। इसके अलावा तिलक वर्मा का वो रौद्र रूप देखने को मिला, जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम उन्हें कभी भूल नहीं पाएगी। मात्र 47 गेंदों का सामना किया इस खूंखार बल्लेबाज ने और 120 रन बना डाले। तिलक तो संजू से भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 9 चौके लगाए और 10 खतरनाक छक्के लगाए। 255 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। अभिषेक शर्मा ने भी मुकाबले में 18 गेंदों में 36 रन बनाए, 4 छक्के लगाए। और इन तीनों ही बल्लेबाजों के दम पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने एक पारी में कुल 23 छक्के लगा दिए और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये भारतीय टीम का ही नहीं बल्कि दुनिया की सभी टीमों में से सबसे ज्यादा रन बनाया गया है एक T20 वाले मुकाबले में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मुकाबले में हाईएस्ट स्कोर था वेस्टइंडीज का, जिन्होंने 258 रन बनाए थे, लेकिन अब भारतीय टीम ने उसको चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों भारतीय टीम के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, रिकी पोंटिंग ने कहा, ऐसा खेल मैंने आज तक नहीं देखा, अद्भुत बल्लेबाजी। जिस तरीके से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने पारियां खेली हैं, ऐसी पारियां कभी कभार ही देखने को मिलती हैं। साउथ अफ्रीका कोई छोटी टीम नहीं है, ये टेस्ट प्लेइंग नेशन है, ये खतरनाक टीम है। अभी हाल ही में ये T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेल कर आ रहे हैं और ऐसी टीम के खिलाफ इस तरीके से निर्दयता से बल्लेबाजी करते हुए जिस तरीके से संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी की और भारतीय टीम ने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये सचमुच ये सब देखना असाधारण था। दोस्तों रिकी पोंटिंग के बाद सेन वॉटसन ने बड़ा बयान दिया। वॉटसन ने कहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बल्लेबाजी की किस तरीके से तारीफ करूं, और इसमें मैं तारीफ करना चाहूंगा अभिषेक शर्मा के बल्लेबाजी की भी, जिन्होंने भारतीय टीम को इतनी बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन बल्लेबाजों की बल्लेबाजी को देखते हुए मुझे साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर तरस आ रहा था, क्योंकि उन बेचारों को जगह नहीं मिल रही थी गेंदबाजी करने के लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो गेंदें कहाँ डालें, क्योंकि ये बल्लेबाज अच्छी गेंदों को भी हिट कर रहे थे और यही उनके पारी की खास बात थी। दोस्तों इसके बाद डेविड वार्नर ने बड़ा बयान दिया। वार्नर ने कहा, भारतीय टीम ने तो पुष्पा स्टाइल में बल्लेबाजी की है। जिस तरीके से पुष्पा कभी झुकता नहीं, उसी तरीके से तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी की है। वाकई में ये T20 में सबसे शानदार प्रदर्शन है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ये सोच रहे थे कि कब उन्हें गेंद छोड़कर मैदान से बाहर जाने को मिले, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज बीच मैदान में आतंक मचा रहे थे। दोस्तों डेविड वार्नर के बाद ट्रेविस हेड ने बड़ा बयान दिया। ट्रेविस हेड ने कहा, पहले मैं सोचता था कि T20 में 300 का टारगेट केवल मेरा ही है, लेकिन अब भारतीय टीम के प्रदर्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनका भी टारगेट 300 नहीं बल्कि 350 है। अगर थोड़ा सा और अच्छी बल्लेबाजी हो जाती तो शायद वो 300 के आंकड़े को क्रॉस भी कर जाते। वाकई में संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बल्लेबाजी को सलाम करना होगा। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए। दोस्तों भारतीय टीम के अद्भुत प्रदर्शन पर ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने भी बड़ा बयान दिया। तो आपको किसका प्रदर्शन बेहतरीन लगा है तिलक वर्मा और संजू सैमसन में से, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।